नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल वी आर एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिंह राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा, क्या कहते हैं आपके लिए ग्रह गोचर। संपूर्ण चर्चा करेंगे, आपकी शिक्षा, नौकरी, व्यापार, वैवाहिक जीवन, सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे दर्शकों। तो आप ये वीडियो पूरा अवश्य देखिए, आपके लिए जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। इसके अलावा दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमारे द्वारा करवाना चाहते हैं तो हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब आते हैं दर्शकों हम हमारे विषय पर। देखिए दर्शकों, सबसे पहले देखते हैं कि अगस्त के महीने में आपके लिए ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की बनी हुई है। तो सिंह राशि वालों के लिए देखिए, राशि स्वामी सूर्य होते हैं जो कि 15 अगस्त तक कर्क राशि में रहेंगे, यानी आपके द्वादश भाव में रहेंगे। द्वादश भाव में सूर्य आपके खर्चे काफी करवाएंगे अगस्त में, हालांकि ये 15 तारीख तक आपको खर्चों पर खास नियंत्रण रखने की जरूरत है। इसके बाद वह स्वर राशि के सिंह राशि में आ जाएंगे, आपकी ही राशि में। वहां से आपके लिए बहुत ही अच्छा भाग्योदय होगा। इसके बाद दर्शकों देखिए, मंगल की बात करें तो मंगल 25 अगस्त तक वृषभ राशि में रहेंगे, यानी मंगल आपके दशम भाव को मजबूती प्रदान कर रहे हैं गुरु के साथ में युति में। मंगल गुरु का ये राजयोग आपको बहुत अच्छे फल देगा। आपके कार्य क्षेत्र में आपको सम्मानित किया जा सकता है, बहुत अच्छा आपके कार्य की सराहना भी होगी, लोग आपसे खुश रहेंगे। इसके बाद दर्शकों बुध की बात करें तो बुध देखिए 21 अगस्त तक सिंह राशि में रहेंगे, यानी आपकी ही राशि में रहेंगे, और फिर 5 अगस्त को वो वक्री भी हो रहे हैं, तो बुध के परिणाम भी आपको चौंकाने वाले मिलेंगे। इसके बाद देखिए, शुक्र की बात करें तो शुक्र 24 अगस्त तक आपकी राशि में रहेंगे। शुक्र का आपकी राशि में गोचर करना ये महीना आपके अंदर एक ताजगी लाएगा, आप खुशनुमा महसूस करेंगे, आनंदित रहेंगे। इस महीने में शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, सुख सुविधाओं में वृद्धि करवाने वाला रहेगा। बात करें गुरुदेव बृहस्पति की तो वो देखिए दशम भाव में मजबूती प्रदान कर रहे हैं आपके। शनिदेव आपके सप्तम भाव में व्यापार भाव को बल दे रहे हैं। राहु अष्टम भाव में और केतु आपके द्वितीय भाव कुटुंब भाव में बैठे हैं। अब ये सभी ग्रह मिलकर आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले दर्शकों मैं बताना चाहूंगा अगस्त की उन तारीखों को जहां पर आपको थोड़ा सावधान और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा जब भी हमारी राशि से षष्ठ भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव से संबंध बनाते हैं, या राहु या फिर शनि के संपर्क में आते हैं, तो वो दिन हमारे लिए कष्टकारी होते हैं, तनाव देते हैं। तो उन तारीखों को आप नोट कर लीजिए, ये आपके लिए जरूरी है। देखिए दर्शकों, सबसे पहले तो 6 और 7 अगस्त आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इस दिन कोई भी काम नया ना शुरू करिए, मानसिक तनाव बढ़ने वाला है, क्योंकि चंद्रमा पर शनि की दृष्टि रहेगी और यहाँ पर आपकी हेल्थ भी बिगड़ सकती है। स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है 6 और 7 तारीख को। इसके बाद 13 और 14 तारीख भी अच्छी नहीं है। इस दिन चंद्रमा पर शनि और राहु दोनों का प्रभाव रहेगा, तो ये 13 और 14 तारीख आपके लिए बहुत ज़्यादा भारी साबित हो सकती है। स्ट्रेस आपके लिए हावी रहेगा। फालतू के वाद विवाद से दूर रहिए, किसी के पंगे में आप मत पड़िए, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। खर्चों पर खास नियंत्रण रखिए। इसके बाद देखिए दर्शकों, 22 और 23 अगस्त अच्छा नहीं है। इस दिन चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे और ये दिन आपको तनाव देंगे, व्यर्थ की भागदौड़ बढ़ेगी, यात्रा करने से भी आपको बचना चाहिए। इसके बाद दर्शकों, महीने के अंत में 30 और 31 तारीख का दिन अच्छा नहीं है। इस दिन चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव में रहेंगे, तो ये आपके खर्चे बढ़ाने वाले दिन रह सकते हैं, 30 और 31। तो दर्शकों, ये महीने के जो तारीखें हमने बताई है, ये 8 दिन आपके लिए सावधान रहने वाले जरूरी हैं, क्योंकि यहाँ पर आप अगर सावधानी रखेंगे तो आप व्यर्थ की भागदौड़ से बचेंगे, तनाव से बचेंगे और आपको नुकसान भी नहीं होगा। अब हम बताते हैं आपके लिए शुभ दिन कौन से हैं जहाँ पर आपको आर्थिक लाभ हो सकता है, धन लाभ हो सकता है। देखिए दर्शकों, जब भी चंद्रमा और गुरु का केंद्र का संबंध बनता है, गज केसरी योग बनता है, उस दिन मनी फ्लो बढ़ता है और आपके लिए भी आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। वो तारीखें देखिए दर्शकों, सबसे पहले 7 तारीख का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूती प्रदान करेगा। हालांकि 7 तारीख को हमने तनाव वाला भी दिन बताया है, परंतु धन की दृष्टि से 7 तारीख का दिन अच्छा है। इसके बाद दर्शकों, 14 तारीख का दिन भी काफी अच्छा है। गुरु और चंद्रमा की प्रतियुति रहेगी जो आपके आर्थिक पक्ष को मजबूती प्रदान करेगी। कोई पेमेंट फंसा हुआ है, कोई बड़ा अमाउंट आपको मिल सकता है, कोई नई डील साइन हो सकती है, उस हिसाब से भी दिन अच्छा है। 21 तारीख का दिन भी बहुत शुभ रहेगा। केंद्र का संबंध बनेगा गुरु और चंद्रमा का, इसलिए आपके अच्छे दिन बहुत साबित होंगे। 21 तारीख को आपको कोई बड़ा लाभ हो सकता है। अंत में बात करें तो 27 तारीख का दिन भी बहुत शुभ है। इस दिन आपके चंद्रमा और गुरु की युति रहेगी, इस कारण बहुत अच्छे आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे। कोई नई डील साइन हो सकती है, कोई
इनकम का सोर्स बढ़ सकता है आपके लिए, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। अब देखिए दर्शकों, बात करते हैं सभी के लिए ये महीना कैसा है, विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा के लिए, विद्यार्थियों के लिए महीना कैसा है। देखिए दर्शकों, विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो शिक्षा भाव के मालिक गुरु आपकी कुंडली के दशम भाव में मजबूती प्रदान कर रहे हैं। ये महीना विद्यार्थियों के लिए यादगार रहेगा, बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है, स्टूडेंट्स को बड़ी सफलता पढ़ाई में मिलती हुई दिख रही है। साथ ही अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो भी समय शुभ है, क्योंकि नवम भाव के मालिक मंगल भी आपकी कुंडली में मजबूती से बैठे हुए हैं। इस कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, खास करके अगस्त का लास्ट वीक आपके लिए यादगार रहेगा। अगर अगस्त में कोई एग्जाम है तो आप सफल जरूर होंगे। आप अपनी बस पढ़ाई पर केंद्रित रहिए। आपकी राशि पर शुक्र का गोचर है तो अफेयर आदि से आपको बचना चाहिए। आपको प्रेम संबंधों के चक्कर में आपके करियर पर कोई नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। अब दर्शकों, बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की, कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। देखिए दर्शकों, आपके कर्म भाव में मंगल और गुरु का गोचर है, बहुत अच्छी स्थिति है इस महीने में। हालांकि देखिए, आपके राशि स्वामी 15 अगस्त तक द्वादश भाव में रहेंगे, तो शुरू के 15 दिन थोड़ी भागदौड़ तो ज़्यादा रहेगी, काम का बोझ भी आप पर रहेगा, परंतु 16 तारीख से ही आप अनुभव करेंगे कि उस मेहनत का आपको फल भी मिल रहा है। आपका प्रमोशन आदि भी हो सकता है 16 तारीख के बाद में। तो शुरू के 15 दिनों में वर्कलोड रहेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो आप मेहनत करने से पीछे मत हटिए। आपको जो जिम्मेदारी मिलती है उसको बखूबी निभाइए, तब जाकर 16 तारीख से 31 तारीख के बीच में आपको बड़े लाभ भी होंगे। आपका प्रमोशन हो सकता है या फिर आपके काम की सराहना हो सकती है, कोई प्रेजेंटेशन आप करेंगे तो भी उसमें सफलता मिलेगी। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए 16 तारीख से बाद में स्थितियां बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके बाद जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए 20 और 25 तारीख के बीच के दिन काफ़ी अच्छे हैं। 20 से 25 के बीच में आपको कोई नई जॉब मिल सकती है, आपको प्रयत्न करना चाहिए। अब देखिए दर्शकों, बात करते हैं व्यापारियों के लिए महीना कैसा है। देखिए, व्यापार भाव के मालिक शनि मजबूती से बैठे हुए हैं, परंतु आपके राशि स्वामी सूर्य द्वादश भाव में है, तो किसी भी प्रकार की डील साइन करते हैं, कागजी कार्यवाही में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी, आपके साथ धोखा ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिए। साथ ही साथ 5 अगस्त को जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं उनके लिए 5 अगस्त का दिन काफ़ी शुभ है, उस दिन अच्छा लाभ हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप काम करते हैं तो भी आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। राशि स्वामी का द्वादश में जाना निश्चित तौर पर विदेश से जुड़ा हुआ काम आपके लिए सफलतादायक रहेगा। व्यापारियों के लिए देखिए, थोड़ी बहुत मुश्किलें रहेगी, परंतु फिर भी आप जूझ लेंगे, हर परिस्थिति का सामना भी कर लेंगे। बस अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं या फिर किसी भी प्रकार का ऋण लेकर आपने व्यापार शुरू किया तो थोड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि राहु भी अष्टम में है, आपके राशि स्वामी भी द्वादश में है, व्यापार में नुकसान ना हो जाए, इस प्रकार ध्यान रखिए। शॉर्टकट के तरीके में व्यापार में कोई मुनाफा करने का मत सोचिए, अन्यथा फंस सकते हैं आप। 16 अगस्त से आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, शुक्र बुध का प्रभाव व्यापार भाव पर है, तो अगर आपका खाने पीने से संबंधित कोई काम है, रेस्टोरेंट है, होटल है, टूर एंड ट्रेवल से संबंधित काम है, तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। पेट्रोलियम केमिकल या फिर किसी भी प्रकार की आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो 16 अगस्त के बाद बहुत अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है, इन व्यापारों से जुड़कर आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अब देखिए दर्शकों, बात करते हैं कि इस महीने में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। आर्थिक स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो आपके आय भाव के मालिक और धन भाव के मालिक बुध ही बनते हैं। बुध का गोचर आपकी राशि पर रहेगा और बुध वक्री भी रहेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना मिला जुला रहेगा। बुध के कारण और शुक्र के कारण आपके पास पैसा तो आएगा, अच्छी मात्रा में पैसा आएगा, परंतु आपके राशि स्वामी सूर्य खर्चों के भाव में द्वादश भाव में बैठे हैं। साथ में शुक्र का गोचर आपकी राशि पर होना ये संकेत करता है कि आपके खर्च इस महीने में ज़्यादा होंगे इनकम से ज़्यादा, क्योंकि आपके या तो देखिए धार्मिक यात्राओं के पीछे खर्च होंगे या फिर दान पुण्यों में खर्च होंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु शुक्र के कारण आपका खर्च होगा आपकी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के चक्कर में। आप कोई गाड़ी नया ले सकते हैं, वाहन का योग बना हुआ है इस महीने में, उस पर खर्च हो सकता है, या फिर कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी ले सकते हैं, उस पर भी खर्च हो सकता है। सुख सुविधाओं की चीज़ें खरीदने में आपके शौक पूरे करने में खर्च होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इस महीने में थोड़ा सा हाथ आपको टाइट रखना होगा, अन्यथा खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, आर्थिक स्थिति को संभालने में फिर आपको दिक्कत हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखिए। व्यर्थ के खर्चों से बचिए, दिखावे के चक्कर में पैसे बर्बाद मत करिए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए दर्शकों, बात करते हैं कि इस महीने में आपके वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। देखिए, विवाह भाव पर आपके लिए देखा जाए तो शुक्र बुध का प्रभाव है, सप्तम में शनि बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर यह महीना काफ़ी शुभ है। वैवाहिक जीवन
में अगर किसी प्रकार का तनाव था, जीवन साथी के साथ मतभेद थे, तो वो अब समय आ चुका है कि वो दूर होंगे। आपको प्रयास करने चाहिए, आपके जीवन साथी को मनाने की कोशिश करिए, उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करिए तो अच्छा होगा, क्योंकि शुक्र का प्रभाव है। तो कोई ट्रेवल करने का प्लान बनाइए, उन्हें सरप्राइज दीजिए, वो भी खुश होंगे और आपका वैवाहिक जीवन भी मधुर बनेगा। इसके अलावा जो लोग देखिए विवाह योग्य हैं, कुंवारे हैं, अभी तक विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए रिश्ता भी आ सकता है। ये समय काफ़ी शुभ दिखाई दे रहा है, 24 तारीख से पहले पहले आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है, विवाह तय भी हो सकता है, बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। प्रेम संबंधों की बात करें तो देखिए प्रेम संबंध आपके अच्छे चलेंगे इस महीने। देखा जाए तो किसी भी पापी ग्रह का प्रभाव आपके पंचम भाव पर नहीं है, इस कारण आपके लिए अच्छी स्थिति बनी हुई है। आपके प्रेम संबंधों में बाहर आएगी शुक्र के कारण, और आपके प्रेम संबंधों में कोई भी टकराव था तो वो दूर होगा। अब देखिए दर्शकों, बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य इस महीने में कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हड्डियों के दर्द की शिकायत रह सकती है, आंखों में दर्द होना या हेडेक होना, सरदर्द की शिकायत, ये सब बीमारियां आपको परेशान कर सकती है। अगर आप बुजुर्ग हैं तो अपने हार्ट का भी विशेष ध्यान रखिए, 15 तारीख तक हार्ट पेशेंट्स को भी काफ़ी सावधानी रखनी है, अन्यथा आपके लिए दिक्कतें बढ़ सकती है। खान पान का विशेष ध्यान रखिए, योगाभ्यास करिए, इससे लाभ होगा। अब देखिए दर्शकों, इस महीने को शुभ और लाभकारी बनाने के लिए आपको उपाय क्या करने चाहिए। एक तो देखिए आपके राशि स्वामी सूर्यदेव बनते हैं, प्रतिदिन अर्घ दीजिए सूर्य भगवान को, जल्दी उठकर अर्घ दीजिए, इससे लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हर रोज कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा मंगलवार और शनिवार को तो जरूर करिए, इससे आपके भाग्य का बल आपको मिलेगा और अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। अब देखिए दर्शकों, इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और पर्सनली हमसे जुड़कर कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आज के लिए इतने दर्शकों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।